और आपको पता है, ऑफकोर्स मैं न्यूज रिपोर्टर हूँ, तो न्यूज रिपोर्टर हूँ तो ऑफकोर्स इधर एक बाबा जी है, ये मेरे को बहुत बार मिलते थे, बोलते थे कि बच्चा कुछ उपाय जानना है तो जान लो, जैसे कि तुम्हारे भविष्य में क्या होगा, और बस बुड्ढा ये पूछता था। ठीक है, तो बुड्ढा मतलब बाबा जी, आप बताइए आपका नाम क्या है? हमारा नाम चिमकांडी बबूजा है। तेज बोल ले थोड़ा। हमारा नाम चिमकांडी बबूजा है। तो चिमकांडी बबूजा जी, आप बताइए आप कितने साल के? हम 65 साल। 65 साल के। अब बताइए हम कहाँ बैठे इतने कितने सालों से बैठे इधर, तपस्या कितने सालों से कर रहे हैं बकले बुड्ढे? यही गाने 2-3 घंटे पहले। तो ये बुड्ढा जी 2-3 घंटे पहले बैठे हैं। तो अच्छा सॉरी सॉरी, तो आपने इधर कहीं भूत प्रेत देखा है? हम बहुत न्यूज में देखते थे और हर जगह देखा था कि इधर भूत प्रेत है, तो बताइए आप। हाँ हमने देखा है सपनों में। बोल ले बुड्ढे। 1920 में तो उद्देश आपके भी था क्या? नहीं। तो आस पास किधर कहीं देखा है बुड्ढे अभी थोड़े दिनों पहले? हाँ देखा है। कब देखा है, किधर देखा है? मेरे बगल में ही तो बैठा है। अच्छा मतलब मैं भूत लगता हूँ आपको? हाँ। अच्छा तो बुड्ढा जी मतलब तो उधर दिखाई, उधर दिखाई, वायरिंग का काम चल रहा है उधर, बहुत बहुत सारी उधर वो बिजली जी टपक रही है नीचे पानी की बूंदों की तरह। आइए वापस आ जाइए, इतना क्लोज मत जाइए, अगर बिजली झपट लिए तो हम सब निपट लिए। तो बुड्ढा जी इधर बैठे थे हमारे प्यारे। तो बुड्ढा जी बताइए आप क्या काम करते हैं? ओम ओम, मैं तो खर्राटे काटता हूँ। ओम ओम। अच्छा तो खर्राटे काटते हैं हम, रातों खर्राटे काटते हैं। अच्छा तो बुड्ढा जी मतलब आप बताइए आपका पहला बिजनेस क्या था पहले? मेरा पहला बिजनेस था सुअर का चारा बनाना। तो अभी भी आप सुअर के चारे ही है, मतलब आपकी शक्ल तो है ही चूल सुअर जैसी। नहीं तो मैंने एक वॉलंटरी देख लिया है चारा देखे, तो थोड़ा तेज बोलेंगे आप क्योंकि हमारे ऑडियंस को कुछ समझ नहीं आ रहा। ये शादी के आप थोड़ा इधर इधर पधार लीजिए। तो बुड्ढे जी तो बहुत भैया था, हटी आइए इधर, हमको आने वाले और भी चित्र पढ़ानी देखने को मिलेंगे। और अब पिक्चर पूछे तो थोड़ा आगे हमारे साथ आप चलते रहिए, बनते रहिए। मैं कैमरा मैं न्यूज रिपोर्टर सक्षम, मैं सक्षम रावत कैमरामैन का नाम मैं भूल चुका हूँ। तो हम वापस इसी जगह आ चुके हैं जहाँ पे वो पगलेट बुड्ढा रहता है। तो अब देखते हैं वो क्या, देखो वो उधर तपस्या कर रहे हैं, सस्ती तपस्या हो रही है उधर। तो बुड्ढा मतलब बाबा जी आप बचपन में जब पैदा हुए थे क्या काम करते थे? हम गुंडागर्दी करते थे। क्या? हम गुंडागर्दी करते थे। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरे पैर पे थूको और मुंह में फूको। अच्छा तो इधर आइए आप, थोड़ा इधर आ जाइए। तो बुड्ढा पागल हो चुका है और बोल रहा है कि हमारे पैर में फूको, मेरे मुंह में फूको। ठीक है मतलब ऐसी कुछ बहुत है, आई थिंक ये पैर में फूको मेरे मुंह में थूको। तो चलिए कर लेते हैं, बाबा जी कृपया करके आप खड़े होंगे। चलिए अब हम रेडी हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सक्षम रावत कैमरामैन चिमकांडी के साथ और इस पेड़ के आसपास हूँ मैं भी। तो हमको एक हम दूसरी प्लेस में और इधर हम कोई चिमकांडी बंदा दिखाता, मतलब बंदा दिखाता उससे हम कुछ पूछते हैं। हाँ भाई आपका नाम क्या है? चिंपू सिंपू। चिंपू है क्या? चिंपू सिंपू। सिंपू सिंपू है इनका नाम। तो अब बताइए इधर दिल्ली है थोड़ा हटाओ हमको। तो आपने इधर कहीं भूत देखा है कभी? हाँ देखा है। कैसे देखा है? मैं साइकिल जा रहा था, 5-6 लोग। आपके पास साइकिल है? साइकिल नहीं घर पे। अच्छा तो अभी अच्छा चलो। हाँ तो मैं रास्ते जा रहा था, 5-6 लोग मुझे दिखे। पांच उन लोग, एक ने दो ने मेरा हाथ पकड़ा, दो ने मेरे पैर पकड़ा,
पैर पकड़े और फिर यहाँ पे फेंक दिया, इधर फेंक दे। ये देखिए ये बड़ा खौफनाक पेड़ है। इधर बोलते हैं कि इस जैसे चिपकाटी लोगों को पैक किया जाता है। और फिर लोगों ने पैंट उतार दी और फिर तो आप एक्सपोज हो गए यार। नहीं तो और फिर उन्होंने मैं चड्डी उतार दी। फिर तो हो गए होंगे, अब तो कोई चांस ही नहीं है। नो गारंटी। नहीं, मैंने डायपर पहन रखा था। मैनेजमेंट डायपर आप डायपर पहनते हैं अभी तक? आपकी हालत देखिए, अब तक क्या पहनते हो? पर अच्छा बोल रही मैं टट्टी शुरू कर दी। उन लोगों ने मेरे को वहीं पे छोड़ के भाग लिए, वहीं पे छोड़ के अभी कर दी क्या। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सक्षम रबाट कैमरामैन चिमकंडी के साथ बच्चा छान न्यूज से। और उधर एक पीली टीचर भाग रहा था, स्वैग से आ रहा है। आएगा जल्दी, पैसा दूंगा, पैसा बहुत पैसा है। देखो बेवड़ा दारू ले उधर खड़ा भी नहीं, कुछ ज्यादा पी रखी है। पैसा देता है। तो अभी आप उस बुढ़े के साथ थे ना, कौन सी अंकल जी? मैंने जो उसका कमी किया तो तीन तीन पागल खाने निकल रहे सर। अच्छा अच्छा, पता नहीं कब कब शैम्पू लगाता है उसने। उसको पागल खाने वाले भी नहीं संभाल पाए तो उसने भेज दिया, बोला कि जा इसे सड़क पे भेज दिया। जा तू कौन है? जाते हो उसे जाते हो पैसा है और ये पैसा क्या? तो मैंने कहा आपसे थोड़ी देर बाद एक हम अभी जेल जाने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सक्षम रावत टीवी न्यूज बच्चा छाप से कैमरामैन चिमकांडी के साथ, और हम वापस उसी जगह पे हैं जहाँ पे इधर हमको एक अंकल मिले। तो अंकल जी आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? नाम राजकुमार। अच्छा राजकुमार, तो आप अभी कितने साल के हैं? 50 साल के है क्या? सही है। अच्छा तो आप 50 साल के है, आपने इधर कहीं भूत भूत देखा है? नहीं, गधा देखे। अच्छा गधा देखे है। तो गधा कितनी बार देखे यहाँ से? वहाँ 50 बारी देखे है। 50 साल की इनकी उम्र, 50 बार गधा देखा। तो उनमें से आपका फेवरेट गधा कौन सा था? देख के बताएंगे। तो कोई समझ में नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा जी, और सब बढ़िया ठीक चल रहा है सब? तो आइए इस तरफ थोड़ा मुंह कर लीजिए। और अभी हमको इधर थोड़े पपीज वपीज से मिले हैं, तो इनसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। तो मिस्टर जी आपका नाम क्या है? अपना नाम कृपया करके बताइए, इसको मत खाइए। अपना नाम कृपया करके कैमरे माइक में बताइए, नाम बताइए भाई। तो इधर गंदी बेइज्जती होते हुए
अब हम जाते हैं किसी और शिकार को ढूंढने, तब तक मेरे साथ मेरे चैनल में बच्चा छाप लीजिए। हाँ, तो हमको वापस इसी कुछ कारण की वजह से हमको इधर बुलाया गया, वैसे हमारा कोई मूड नहीं था इधर आने का, तो बोल रहे हैं कि दो बेवड़े लोग उधर आराम से गिर पड़ रहे हैं, तो चलिए आगे देखते हैं। तो आपने इधर आपने इधर किसी लोगों को देखा है, छोटे छोटे से देखा है आए ना देखा है, तो ये बेजुबान बिचारी कुछ नहीं बताएंगे, तो आप बताइए। चल आप भी रहने दीजिए। अरे बोल रहे वो रुक जाओ, तो बोल रहे वो बैठे उधर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सक्षम वर्मा बच्चा छाप न्यूज से वापस, और आज हम जा रहे हैं इधर एक वो है क्या, एक जेल है, उस जेल में हमको एक कैदी मिला है। वो हमारे मतलब ये आपको लग रही होगी कि हमारी आसपास की गली पर, नहीं ये वैसी डुप्लीकेट गली है पर कोई और। तो ये देखिए ये है वो कैदी भी, तो ये बहुत डरावने लग रहे हैं। तो आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम रॉकी है। अच्छा, तो रॉकी करते हैं आप वॉकी टॉकी? अच्छा, तो आपको हम गुंडा बोलते हैं, तो गुंडा जी मैं तेरे मुंह फोड़ दूंगा, गुंडा भी मत बोलियो। तो क्या लौंडा बोलूं? क्या बोलूं? अच्छा छोड़ दो, रॉकी बोल। अच्छा ठीक है, रॉकी टॉकी बोला। अच्छा रॉकी, तो आप बताइए कितने साल के आप? मैं 9 साल का हूँ। तो 9 साल के अब बच्चे क्राइम करने लगे है, तो अब देखते हैं आगे। और आप कहाँ पे रहते हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, तो ये मतलब दिल्ली में रहते हैं? एक बिल्ली ला चाहिए इधर यहाँ। तो आपने कितने लोगों का टोटल मर्डर किया है? मैंने पूरे 100 लोगों का। 100 लोगों का? चलो भाई चल। तो अब हम वापस आएंगे इन रॉकी टॉकी वॉकी टॉकी से मिलने, तब तक लिए ऑफ कोर्स बाय।